आजकल स्पोकन इंग्लिश में नॉट ऑल दैट प्लस एग्जेक्टिव का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं किस सिचुएशन में आपको बोलना चाहिए नॉट ऑल दैट प्लस एग्जेक्टिव? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर आप अपने डेली लाइफ में खरीदारी करते हुए कहते हैं, ये सब महंगा नहीं है, या ये सब हल्का नहीं है, ये सब तीखा नहीं है, ये सब मीठा नहीं है, ये सब मजबूत नहीं है, ये सब टिकाऊ नहीं है, ये सब फायदेमंद नहीं है, या ये सब नुकसानदायक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस है जहां कहते हैं ये सब फायदेमंद नहीं है, ये सब नुकसानदायक नहीं है, ये सब हल्का नहीं है, ये सब तीखा नहीं है, ये सब कामयाब नहीं है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट प्लस एक एग्जेक्टिव। कैसे? आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो ये सब महंगा नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट डियर, या इट इज नॉट ऑल दैट कॉस्टली, यानी ये सब महंगा नहीं है, ये सब टिकाऊ नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट ड्यूरेबल, यानी ये सब टिकाऊ नहीं है, ये सब मजबूत नहीं है। इट इज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग, यानी ये सब मजबूत नहीं है, ये सब आसान नहीं है। इट इज नॉट ऑल दैट इजी। अगर आपको कहना हो ये सब मुश्किल नहीं है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट हार्ड, यानी ये सब मुश्किल नहीं है, ये सब मीठा नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट स्वीट, ये सब इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज नॉट ऑल दैट यूजेबल, यानी ये सब इस्तेमाल के लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इट इज नॉट ऑल दैट प्लस एक एग्जेक्टिव का इस्तेमाल कब करना है। ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।